So we'll be starting with hypothesis testing. This is actually a very important topic from the point of view that sometimes there are some types of analysis and research that we do, right? For example, when we say that, let's suppose you have built your own portfolio as a fund manager, and then you are saying that the excess return which you are producing on top of the market return. For example, obviously, if I am making a portfolio, ठीक है, I am managing a fund. आप मेरे से क्या expect करोगे? That I will give you a higher return compared to Nifty. अगर मेरा रिटर्न निफ्टी के जितना ही होगा, माय पोर्टफोलियोज रिटर्न, माय फंड्स रिटर्न, देन व्हाई विल यू इन्वेस्ट इन माय, व्हाई विल यू गिव मी योर फंड टू मैनेज, राइट? आप निफ्टी में ही करोगे इन्वेस्ट, करेक्ट? सो दैट इज द रीजन दैट जब आपको कुछ हाइपोथेसिस, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस? व्हेन यू हैव सर्टेन स्टेटमेंट्स, असर्शंस दैट यू नीड टू प्रूव, ठीक है? तो उस केस में हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, टू बी ऑन अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज. नाउ वी हैव लर्नड अबाउट पॉपुलेशन, वी हैव लर्नड अबाउट द व्हाट डू यू मीन बाय सैंपल. तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड, गेट टू दैट पर्टिकुलर पार्ट. नाउ व्हेन आई से पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन क्या होता है? द इंटायर थिंग. बट वी आर ऑब्वियसली नॉट डीलिंग विद द एंटायर थिंग, वी आर जस्ट डीलिंग विद अ सैम्पल. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से दैट द गोल्ड रिटर्न्स हैव ऑलवेज बीन वेरी गोल्ड रिटर्न्स हैव ऑलवेज बीन हायर देन अ पर्टिकुलर रियल एस्टेट, लेट्स सपोज, और यू कैन से दैट द इक्विटी रिटर्न्स हैव ऑलवेज बीन हायर, मीन इक्विटी रिटर्न्स और एवरेज इक्विटी रिटर्न्स आर ऑलवेज हायर देन द गोल्ड रिटर्न्स. तो ये सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ असर्शंस है, स्टेटमेंट्स है, आप कैसे बोलोगे? आप एक पॉपुलेशन को कंपेयर करोगे ना, आप अभी तक के सारे डेटा को कंपेयर करोगे, बट दैट्स नॉट पॉसिबल. तो इसीलिए हम लोग सैंपल लेते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स का, मैंने लास्ट 5 ईयर्स का सैंपल लिया है, एंड उस बेसिस में आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज द केस. सो यहाँ पे व्हाट वी डू इज दैट वी ट्राई टू मेक अ स्टेटमेंट, वी ट्राई टू प्रूव दैट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स, पैरामीटर्स हमने किया है व्हेन वी डिड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल दोस लाइक मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन. सो वी हैव डन दैट पॉपुलेशन पैरामीटर्स, वेदर दीज आर कंसिस्टेंट विद द सैम्पल डेटा और नॉट, ठीक है? तो बेसिक एम हम लोग का क्या होता है यहाँ पे? टू चेक वेदर योर सैम्पल डेटा विच यू हैव विथ योर सेल्फ, दिस इज समथिंग विच यू विल ऑलवेज हैव विथ योर सेल्फ, पॉपुलेशन इज समथिंग विच यू विल नॉट हैव, ठीक है? तो हम लोग बोलते हैं वेदर दीज टू आर कंसिस्टेंट टू ईच अदर और नॉट, दिस इज डन यूजिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग. तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ना देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. आई एल नॉट लाइक बहुत एकदम जो जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आई एल मेक यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी लाइक एकदम इजी लैंग्वेज में. आई एल ट्राई टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड, बिकॉज कभी कभी स्टेटिस्टिकल टर्मिनोलॉजी थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, ये आप लोग को लिखना है एक्चुअली. सो द फर्स्ट थिंग इज, लेट मी टेक दिस एज फर्स्ट थिंग जो हम लोग को चाहिए. सो बेसिकली इफ आई डिवाइडेड इन टू, वी कैन डिवाइड इन टू 6 कॉम्पोनेंट्स, ठीक है? हाइपोथिसिस टेस्टिंग को मैं 6 कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड कर सकती हूँ. द फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज नल हाइपोथेसिस, जिसको हम लोग H0 बोल सकते हो या H0 बोल सकते हो, ऐसे भी देखोगे बहुत बार लिखते हुए, ऐसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं, नल हाइपोथेसिस. जस्ट राइट डाउन व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है? क्विकली जस्ट राइट. नल हाइपोथेसिस स्पेसिफाइज अ पैरामीटर वैल्यू दैट इज बीइंग टेस्टेड फॉर द पर्पस ऑफ द टेस्ट
and is assumed to be true. And is assumed to be true. तो एक बार के लिए दिस माइट सीम अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये क्या स्टेटमेंट है. बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज दैट नल हाइपोथेसिस इज अ जनरल स्टेटमेंट, इज द स्टेटमेंट विच यू आर मेकिंग व्हेन यू आर सेइंग दैट योर पैरामीटर वैल्यू, ठीक है, योर पॉपुलेशन पैरामीटर जिसको आप टेस्ट कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई एम सेइंग दैट मीन रिटर्न ऑन माई फंड इज ग्रेटर देन द मीन रिटर्न ऑन निफ्टी, ठीक है, एवरेज रिटर्न ऑन माई फंड इज ग्रेटर देन द एवरेज रिटर्न ऑन निफ्टी. तो यहाँ पे वॉट इज द पैरामीटर दैट आई एम यूजिंग? मीन रिटर्न ऑफ माई पोर्टफोलियो, मीन रिटर्न ऑफ निफ्टी. दीज आर द टू पैरामीटर्स विच आई एम यूजिंग. तो क्या आपका स्टेटमेंट है, वॉट इज द पैरामीटर वैल्यू दैट इज बींग टेस्टेड? फॉर द टेस्ट वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं. आई विल टेक एन एग्जाम्पल लेटर ऑन. एंड हम लोग इसको क्या मानते हैं? ट्रू मानते हैं. इज अज्यूम टू बी ट्रू. हम ट्रू मान रहे हैं कि जो मैंने स्टेटमेंट बोला है वो सही है, दैट माई रिटर्न इज ग्रेटर देन द निफ्टीज रिटर्न, माई पोर्टफोलियो रिटर्न, ठीक है. सेकेंड लिखो जस्ट ऑपोजिट. जैसे नल हाइपोथेसिस होता है उसका ही ऑपोजिट हम लिखते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसको हम H1 डिनोट करते हैं, या H1 ऐसे, ठीक है. इट डिफाइन्स द रेंज ऑफ वैल्यूज, इट डिफाइन्स द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर वेयर द नल शुड बी रिजेक्टेड, वेयर द नल शुड बी रिजेक्टेड. सो बेसिकली ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में व्हाट आर यू डिफाइनिंग? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में यू आर डिफाइनिंग, इट्स बेसिकली व्हेन यू आर सेइंग इट्स ऑपोजिट ऑफ नल. अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई एम सेइंग दैट माई पोर्टफोलियोज मीन रिटर्न इज ग्रेटर देन निफ्टी पोर्टफोलियो का मेन रिटर्न, तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव में आई विल डू इट्स नॉट ग्रेटर देन, ठीक है. सो बेसिकली इट इज इट गिव्स यू द रेंज ऑफ वैल्यूज जहां पे नल को हम लोग बोल सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स होगा या ट्रू नहीं होगा, ठीक है. वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, दैट इज ऑल्टरनेटिव. नेक्स्ट लिखो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. ये सब कुछ समझ में आएगा जैसे ही हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे. टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इसको हम लोग जस्ट यू नो, कभी कभी आप लोग देखोगे TS लिखा हुआ रहता है, और दे ऑल्सो राइट इट जस्ट लाइक T, ठीक है. सो दिस इज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. Which is लिखो which has a known distribution, which has a known distribution when the null hypothesis is true. जब भी अब हम लोग null hypothesis बोल रहे हैं just write H not, ठीक है. पूरा पूरा मत लिखो. null के लिए H not you can write and for alternative you can write H1. test statistics के लिए T लिख सकते हो या TS लिख सकते हो. So basically, what is test statistics? We are saying that this is a known distribution when null hypothesis is true. I am not going deep in this now. We'll come to it with an example. Fourth wala likho, size of test. Size of test. It captures the size of rejection region. It captures the size of rejection region. नेक्स्ट राइट क्रिटिकल. ये सारे स्टेटमेंट्स में आऊंगी वंस वी टेक एन एग्जाम्पल. क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू विच इज अ वैल्यू दैट इज, विच इज अ वैल्यू दैट इज कंपेयर टू टेस्ट स्टेटिस्टिक्स TS टू डिटरमाइन वेदर टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. टू डिटरमाइन वेदर टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. एंड लास्टली यू कैन राइट डिसीजन रूल. इट कंबाइन्स द टेस्ट स्टैटिस्टिक एंड क्रिटिकल वैल्यू.
It combines the test statistics and critical value to determine whether to reject the null hypothesis. Whether to reject the null hypothesis. So basically, kya hota hai? When you take the null hypothesis to be true, you take a statement, you take an assertion, and then usko aap true maan ke, ye jo null hypothesis, the statement of null hypothesis, you consider this to be true, and then you do the entire test. At the end, you have to decide on the basis of certain values, which is their statistics, critical value, you decide whether your null hypothesis is actually true or it's not true. So you reject it. Got it? So, for example, jaise basic, ekdam basic basic, agar main examples lu, to jaise hum log bol sakte hain ki my portfolio, theek hai. So the portfolio which I am making, the average or the expected return on my fund is basically equal to the average return on a style. Have you guys done active and passive portfolio management? No. ठीक है, तो basic चीज मैं समझाती हूँ कि for example if I tell you that let's suppose I am creating a portfolio, I am creating a fund, I am trying to match a benchmark portfolio. ठीक है, it can be Nifty, it can be Sensex, whatever. Now what I am saying is the mean return on my fund is equal to the mean return on the benchmark portfolio. ठीक है, तो इस केस में हम लोग का जो null hypothesis होगा, देखो वो कैसा दिखेगा. What was my statement? So what was my statement? My statement was this is mean population. Population mean of my fund, ठीक है, is equal to the population mean of the benchmark. इसको ऐसे लिखते हैं. Either you can write it in. Now you guys will be having MCQs, right? So you don't have to know how to just, you know, पूरा पूरा चीज. But basic आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं, because they might give you in the question. So null hypothesis is when I'm saying that this is true. ठीक है. Now alternative hypothesis क्या हो सकता है? Alternative hypothesis हो सकता है कि ये जो statement है, this is not true. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मैंने क्या लिखाया, इट्स बेसिकली अ एरिया व्हिच यू डिफाइन फॉर व्हिच योर वैल्यूज इन नल हाइपोथेसिस विल बी नॉट ट्रू. तो यहाँ पे दो तीन चीजें आप बोल सकते हो. जैसे आप बोल सकते हो कि फंड का एवरेज रिटर्न इज नॉट सेम एज द बेंचमार्क एवरेज रिटर्न. ठीक है, दिस इज वन थिंग वी कैन से. और वी कैन ऑल्सो से दैट द फंड्स रिटर्न इज ग्रेटर देन बेंचमार्क रिटर्न. ठीक है, इक्वल नहीं हुआ ना, इट्स नॉट इक्वल. और यू कैन से दैट फंड्स रिटर्न इज लेस देन द बेंचमार्क रिटर्न. अगेन इट्स नॉट द सेम. सो वट एवर इज रिजेक्टिंग योर नल हाइपोथेसिस इज वॉट यू गिव इन द ऑल्टरनेटिव. नाउ देर इज अनदर वे ऑफ राइटिंग इट एज वेल. यू कैन ऑल्सो राइट नल हाइपोथेसिस एज फंड माइनस बेंचमार्क इज जीरो. सेम थिंग, correct? You can also write this as fund minus mean return on benchmark is not equal to zero. Same thing, right? So it's very basic. ठीक है, it's very basic. Now in this case, when I'm talking about that your alternative hypothesis can be defined in two ways. ठीक है, what are these two ways? One way is two-sided. Two-sided alternative hypothesis. What do you mean by two-sided alternative hypothesis? Two-sided alternative hypothesis says that जो मैंने यहाँ पे लिखा है. So basically, two-sided alternative hypothesis will say that mean return on fund is not equal to the mean return on benchmark, or minus this is not equal to zero. What do you mean by two-sided? What do you mean by two-sided? So two-sided basically means आप ये बोल रहे हो that fund return can be greater than benchmark,
or it can be less than benchmark, both, anyone, but it's not equal. Both are acceptable, but not equal. That is what we are saying. Understood, na? It can be greater, it can be less, but not equal. So it's a two-sided test that we are talking about. Next, if I say that we are dealing with a one-sided test. Now, one-sided test is what I was talking about, then where we say that the mean return on the fund is greater than mean return on benchmark. All right. ठीक है. Or I can also say that the mean return on fund is less than mean return on benchmark. So here we are only focusing on a particular region. So here we are focusing on what? On the upper region. That fund return is greater than that. Fund manager has outperformed the benchmark, right? Outperformed the benchmark. Here we are saying that fund manager has not outperformed the benchmark. Now, usually, obviously, we will be in this, jo bhi hamara example hai, in this case, we'll be using the first one, but obviously, it depends on the case study we are taking in place. So, here what we are saying is in first case, two sided mein hum bol rahe, there are two regions, less than, greater than, both are rejection regions. When we are saying it's not equal, how we started, we said that both are equal, and then two-sided mein hum log bol rahe, it can be less than, greater than. One-sided mein, we are just focusing on the entire one region, either greater than or either less than. You are focusing on entirely on one region. All right. Now, when you say that your values lie in this region, so once you have identified the rejection region, you identify the rejection region using null hypothesis. Now, once you have identified the rejection region and you say that your test actually falls in the rejection region, then what do you say? That we have insufficient evidence to reject the null hypothesis, or we have sufficient evidence to reject the null hypothesis. This is how you say it. ठीक है, अभी इस पे आएंगे, बट हैव यू गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर इज वी आर ट्राइंग टू डिफाइन टू साइडेड या वन साइडेड टेस्ट. टू साइडेड वन साइडेड टेस्ट इज क्लियर. नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. हम लोग के केस में इन आर सिलेबस वी जस्ट हैव अ वेरी बेसिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो इट्स वेरी वेरी सिंपल बिकॉज यूजली वील बी कंपेयरिंग द मीन. Sometimes we'll also compare the variance, but mostly it will be mean that we'll be comparing. ठीक है, so do you remember from the CLT chapter हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके last class में जब हम लोग CLT कर रहे थे, so do you remember the distribution of mu hat follows normal? Mu comma what? CLT, central limit theorem किया है ना हमने. average mean, average follows what? Mean follows what? When we say that the data is IID, independent analytically distributed from a any distribution, sample mean estimator, remember? सैम्पल मीन एस्टिमेटर हमने किया है लास्ट क्लास. तो वो क्या फॉलो करता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन दिस एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर बाय एन. निकाला था हमने, डिराइव किया था, एक बार जाके देखो, लास्ट टू लास्ट क्लास ही किया है हमने, है ना? ये हमने डिराइव किया. दिस वॉज वॉट? एस्टिमेटर, याद है? सैम्पल मीन एस्टिमेटर, है ना? सो नाउ इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस, स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ा है ना हमने, माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन. सो लेट्स से सपोज आई एम डूइंग स्टैंडर्डाइजेशन. सो स्टैंडर्डाइजेशन कैसा होगा? दिस इज मीन एस्टिमेटर माइनस मीन. मीन क्या है? इसका मीन ये है एंड द वेरियंस इज दिस, राइट? एंड यू डिवाइड इट बाय वॉट? यू डिवाइड इट विद द स्टैंडर्ड डिविएशन, विच इज सिग्मा स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर रूट.
Once you standardize, it becomes what? It becomes a standard normal distribution. Yes or no? ठीक है, so this is what we ideally do. We say that when we are testing, here let's say suppose I started off with my, here let's say suppose I started off with my null hypothesis as my population mean is equal to certain value. This is any certain value. ठीक है, let me take this as any value, 5%, 6%, 2%, 3%, any value. What I'm trying to say over here is that the mean return on my portfolio is equal to 5%, 10%. Mu naught ka matlab any numerical value. Ab isko solve, ye aapka ho gaya null hypothesis, right? Ye aapka ho gaya null hypothesis, jo aapne idhar bol diya. Now, what I'm trying to say is that this is equal to 10%. अब इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे? सो सैंपल मीन एस्टिमेटर विच इज दिस सैंपल, क्योंकि आपके पास पॉपुलेशन मीन नहीं है. क्या आपके पास पॉपुलेशन मीन है? आपके पास पॉपुलेशन मीन नहीं है, तो आप ये माइनस करके इसको बताते हो. ठीक है, नाउ सिंस यू हैव टेकन अ पर्टिकुलर वैल्यू, तो यहाँ हम लोग जब टेस्ट स्टेटिस्टिक्स निकालेंगे, दिस इज आर एक्चुअली टेस्ट स्टेटिस्टिक्स. मैं ऑल्टरनेटिव अभी नहीं लिख रही हूँ बिकॉज इट कैन बी वन साइडेड टू साइडेड वॉट एवर. टेस्ट स्टेटिस्टिक्स विल बी सैम्पल मीन एस्टिमेटर माइनस म्यू नॉट, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, ध्यान से समझना ये चीज. करिमा कैन यू क्विकली टेल मी वॉट इज दिस, वॉट इज दिस? दिस इज वॉट मीन है वो. मीन किसका, किसका मीन है? सैंपल की पॉपुलेशन, सैंपल का नहीं. सैंपल तो ये है. अच्छा, दिस इज पॉपुलेशन ना. ओके फाइन, दिस इज पॉपुलेशन मीन, दिस इज पॉपुलेशन वेरियंस. पॉपुलेशन वेरियंस इज सिग्मा स्क्वायर, पॉपुलेशन मीन इज म्यू, दिस इज मीन एस्टिमेटर. सैंपल मीन एस्टिमेटर म्यू हैट. नाउ अब इधर आ जाओ. ठीक है, अब इधर आ जाओ. अब हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं? दैट पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू म्यू नॉट विच इज 5% और वट एवर. इसको हम लोग हमेशा ट्रू मान के आगे बढ़ेंगे. नल हाइपोथेसिस को ट्रू मान के टेस्ट करते हैं. तो वॉट आई एम डूइंग इज आई एम रिप्लेसिंग दिस पॉपुलेशन मीन विथ म्यू नॉट. Why? Because it's equal. That is what we have assumed. So I've replaced it with this. All right. And baki cheeze to same rahengi. This is how you will calculate your test statistics. Theek hai? Now once you have calculated the value of this. Theek hai? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, हमारा तीन चीज हो गया है. देखो, सिक्स एलिमेंट्स में से नल, ऑल्टरनेटिव, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. व्हाट्स द फोर्थ एलिमेंट? टेस्ट साइज, है ना. नाउ यू नीड टू डिटरमाइन व्हाट इज द टेस्ट साइज. व्हाट वी यूजुअली से इज दैट द सैंपल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन, है ना. बट इफ माई सैंपल is not representing the population, then we will produce misleading answers. If the sample is not representing the population, you will get a false answer. ठीक है, so basically हम लोग यहां जब start कर रहे हैं test, we are starting off by saying that the population mean is equal to something. ठीक है, you are assuming this to be true and then you are carrying out the test. If the test is not accepted at the end, what will we say? That the null hypothesis that we started with was not correct, it was wrong. How it can be wrong? Because the sample that you selected, because this is what? For example, when I'm saying that fund return is equal to 10%, I'm not taking the ekdam 50 years purana se leke abhi tak ka fund return. I'm just taking 5 years ka sample. Theek hai, whatever.
ये जो सैंपल हमने लिया, इफ दिस इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन, यू विल नॉट गेट द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट साइज जो होता है, इट इज बेसिकली यू आर सेइंग दैट व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो और व्हाट इज द परसेंटेज बाय विच यू वांट टू से दैट यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बाय विच यू विल से दैट यू विल रिजेक्ट द ट्रू नल हाइपोथेसिस. मोस्ट कॉमनली जो हमारा टेस्ट साइज होता है, इट्स यूजली डिनोटेड एज अल्फा. इट्स टेकन एज 5%. दिस अल्फा इज नॉट ऑब्वियसली सेम एज द अल्फा विच यू हैव लर्न, अल्फा बीटा वाला, नो, बट दिस इज द अल्फा. यूजली इन स्टेटिस्टिक्स वी डिनोटेड एज अ टेस्ट साइज विच इज यूजली टेकन एज 5%. अगर कुछ भी नहीं बोला है, 5% का मतलब क्या होता है? 1:20, 0.05. सो वॉट वी आर सेइंग इज दैट, व्हाट वी आर सेइंग इज दैट वी हैव देयर इज 1 in 20 चांस. सो ये चीज में हम आएंगे. एक सेकेंड, लेट मी शो यू यूजिंग डायग्राम. आई थिंक व्हेन आई शो इट टू यू यूजिंग डायग्राम, इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ये मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है. इनफैक्ट लेट मी टेक दिस एज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज 0. स्टैंडर्ड नॉर्मल में मीन इज 0. ठीक है, नाउ व्हाई आई एम टेकिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल, बिकॉज मैंने क्या बोला है दैट दिस फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो इक्वेशन मैंने बनाया, दिस फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल. यहाँ पे मैंने दिखा दिया आप लोगों को. तो अब ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, ठीक है, इसका जो यहाँ पे वैल्यू आएगा, दैट शुड बी समवेयर इन दिस डायग्राम, है ना. अब अगर ये टू साइडेड टेस्ट होता, टू साइडेड टेस्ट एज इन अगर हम लोग इसको बोलते, लेट्स सपोज म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है. इन दैट केस व्हाट यू एक्चुअली चेक इज यू चेक दीज वैल्यूज, ग्रेटर देन ऑल्सो, लेस देन ऑल्सो. एंड वेन आई एम सेइंग 5% इज द टेस्ट साइज, माई रिजेक्शन रीजन इज 5%. माई रिजेक्शन रीजन इज 5% का मतलब दिस इज 2.5%, दिस इज 2.5%. माई टेस्ट साइज इज 5%, मतलब रिजेक्शन रीजन इज 5%. ठीक है, हमने टेस्ट साइज में क्या बोला, रिजेक्शन रीजन आप डिफाइन करो. तो 2.5, 2.5 क्योंकि नॉट इक्वल टू लिए, ग्रेटर देन होने से भी खराब है, लेस देन होने से भी खराब है, आप अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दोगे. सो दिस रीजन इज योर, वन सेकेंड, दिस रीजन इज योर आर आर लिख रही हूँ, रिजेक्शन रीजन. ठीक है, नाउ ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे? दिस इज 0, वी हैव अंडरस्टूड. हाउ डू वी कैलकुलेट दिस? यू हैव कैलकुलेटेड दिस वैल्यूज व्हेन वी वर डूइंग वो डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में याद है, 2.5%, 2.5% हमने काटा था. हाँ, तो इन दिस केस जब हम लोग ये बोलते हैं, ये होता है -1.96 एंड ये होता है +1.96. दो तीन वैल्यूज आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, विच यू ऑल कैन क्विकली राइट डाउन. व्हाट आर दीज वैल्यूज? सो दीज वैल्यूज आर, व्हेन आई से 5%, तो आप जैसे यहाँ पे है -1.96 +1.96. ठीक है, ये अगर आपका 10% हो जाएगा, सो मीनिंग यू आर कटिंग 5% है और 5% है, और तो ईच टेल विल बी प्लस माइनस 1.645. मतलब यहाँ पे -1.645, यहाँ पे प्लस. एंड यही चीज अगर मैं 1% कर दूँ, मतलब दोनों तरफ आप कितना कितना कट कर रहे हो, 0.5, 0.5. सो इन दिस केस इट विल बी प्लस माइनस 2.57.
खाली ये आपको तीन वैल्यूज याद करने हैं, दैट्स इट। यू ऑल कैन राइट दिस डाउन, बस ये तीन वैल्यूज आपको याद करने हैं। वन पॉइंट नाइन सिक्स, 1.645 एंड 2.57, दैट्स इट। नाउ यूजली समटाइम्स दे गिव इन द एग्जाम, समटाइम्स दे मे नॉट, सो आपको याद करना होगा तीन वैल्यूज, बहुत इजी है। तो अब हम क्या बोलते हैं, कमिंग बैक टू दिस, दैट फॉर एग्जाम्पल टेस्ट साइज 5% है, तो 2.5% इधर, 2.5% इधर। नाउ जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स वैल्यू, वट एवर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स वैल्यू यू आर गेटिंग, आप यहाँ पे वो बना के देखोगे। फॉर एग्जाम्पल माई टेस्ट स्टेटिस्टिक्स वैल्यू इन दिस केस इज, लेट्स सपोज 0.789, तो 0.789 किधर होगा, इधर होगा। दिस इज वॉट, दिस इज इन द एक्सेप्टेंस रीजन। सो यू विल से व्हेन इट इज इन द एक्सेप्टेंस रीजन, यू विल से दैट योर नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, है ना। यू विल से योर नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, बट द वे वी से इट, ठीक है, बट द वे वी से इट इज नॉट लाइक दिस। वॉट वी से that we have insufficient evidence to reject the null hypothesis at 5% level. Why do you say we, instead of, हम लोग straight away बोल सकते हैं I accept null hypothesis, ठीक है, आप बोल सकते हो ना, but ऐसा ऐसे आपको एकदम ऐसे नहीं बोलना है कि I accept null hypothesis, because it's a way of test. तो आप लोग क्या लिखोगे, you all can just write it down. We have insufficient evidence to reject the null hypothesis at 5% significance level. Test size को हम लोग significance level भी बोल सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। दीदी एक डाउट, सिग्निफिकेंस लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल में क्या डिफरेंस होगा? आऊंगे आऊंगे उसमें। तो अब जैसे देखो, आपने टेस्ट साइज बताया 5%, आपने एक्चुअली सारे एलिमेंट्स बता दिए, क्रिटिकल वैल्यू भी बता दिया, दीज आर योर क्रिटिकल वैल्यूज। योर क्रिटिकल वैल्यूज आर डिपेंडेंट ऑन योर टेस्ट साइज, दिस इज योर क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिटिकल वैल्यू, इज इट गिव्स यू अ रेंज ऑफ वैल्यूज वेयर द नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड इन फेवर ऑफ ऑल्टरनेटिव, बेसिकली द रिजेक्शन रीजन। सो इफ इट इज लेस देन 1.96, माइनस 1.96, और इफ इट इज ग्रेटर देन 1.96, that is the rejection region. So it's defined by the critical value. ठीक है, and usually how you are doing it, when it's a two-sided test, आप क्या करते हो, alpha by 2, alpha by 2, alpha is 5%, तो alpha by 2, alpha, 2.5, 2.5, इधर उधर आपने कट कर दिया, ठीक है। अगर ये one-sided होता तो उसका भी diagram I'll make. And what was the last element? Decision rule. Decision rule is basically आप जब देखते हो, यू कंपेयर द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स एंड द क्रिटिकल वैल्यू एंड यू कमेंट ऑन दैट। तो आपने क्या डिसाइड किया, 0.789 विच इज द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, इट इज लेस, इट इज इन द एक्सेप्टेंस रीजन, क्रिटिकल वैल्यू से आपने कंपेयर किया एंड यू मेड योर डिसीजन। अंडरस्टूड, वेरी इजी। अगर ये वन साइडेड होता, सो आई विल क्विकली शो यू यूजिंग द डायग्राम अगेन, अगर ये वन साइडेड होता ठीक है, अगेन दिस इज जीरो, वन साइडेड, लेट्स सपोज व्हेन आई एम सेइंग दैट ऑल्टरनेटिव इज दिस ग्रेटर देन म्यू म्यू नॉट, बेसिकली आई एम सेइंग दैट द पॉपुलेशन रिटर्न इज, माय पॉपुलेशन रिटर्न इज ग्रेटर देन 10%, ठीक है, जो भी आपका 10%, 5%, वॉट एवर यूर म्यू नॉट इज, ग्रेटर देन है, तो हम लोग का जो रीजन होगा, जो क्रिटिकल रीजन होगा,
Now it will be completely falling under this. This region is now the entire 5% region. Greater than, na? Greater than test hai. ठीक है. I got confused between H0 and H1. वही मैं लिखने वाली थी. This is equal, right? आपका null hypothesis अभी भी same है, that it's equal. क्या होता है? ध्यान से सुनो. If we say that my test statistics falls in this region, you reject the null hypothesis. And you accept what? Bolo. And you accept the alternative. If it's falling under here, then you reject the null hypothesis and you accept the alternative. Greater than, na? Toh aapko greater than ka area toh ye hai. Rejection region. What is null hypothesis? It defines the rejection region where you reject the null. तो ये greater than part हो गया. अब इसका value बता सकते हो? मैंने ऊपर में लिखा है. ये तीन value में से एक value होगा, ये critical value. 1.645 हो जाएगा. Very good. 1.645. Because ये 10% है. And मैंने plus minus लिखा है. तो basically 5% value cut हो रहे हैं ना. 5% 5%. तो ये 5% वाला value हो गया. 5% in each tail. So now if your test statistics is, let's suppose 2 आ रहे हैं. तो वो रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगा. मतलब आप क्या बोलोगे? आप रिजेक्ट करोगे नल हाइपोथेसिस. तो इन दैट केस हाउ विल यू हैव सफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. आप लोग लिखोगे वी हैव सफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. वेरी गुड. नाउ सेम इफ आई डू इट फॉर द लोअर टेल. तो यहां आपका आ जाएगा -1.645. इफ दिस इज अगेन आई एम टेकिंग द 5% टेस्ट. आहा एक सेकेंड, दे आर ऑटोमेटिकली कंसिडरिंग इट टू बी अ इरेजर. ठीक है, 5% हो गया ये. तो ये मेरा टेस्ट क्या माना जाएगा? This is equal and this is less than. तो अब अगर मेरा test statistics यहाँ lie कर रहा है in the rejection, you will say you are rejecting null and what are you actually saying? That your mean return is less than mu naught 10% or whatever the value is. अच्छा दीदी, just curious. हम लोग जब like 12 में थे तो अप्लाइड मैथ्स में देयर वाज दिस टी टेस्ट एंड ऑल. टी टेस्ट, हाँ आएंगे. सो इट्स सेम जैसे टी टेस्ट में. हाँ नहीं, आप जैसे यहाँ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर रहे हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हो, टी टेस्ट भी हम लोग करते हैं. इसके बाद मैं बताऊंगी. टी सेम है, एकदम सेम है, बिकॉज टी टेस्ट इज ऑल्सो सिमेट्रिकल. टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी टेस्ट इज टी डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्चुअली फॉर्मूला भी बहुत सिमिलर था एंड बाकी सेम है. फॉर्मूला भी सेम है. वो मैं नेक्स्ट कराऊंगी. इसके बाद वाला होगा वो. सो ये दो ही टेस्ट है आपके, स्टैंडर्ड नॉर्मल एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन. तो एकदम सेम है, जस्ट वैल्यूज, योर क्रिटिकल वैल्यूज विल ओनली चेंज ऑब्वियसली. तो अब यहाँ पे सिंस यू आस्क्ड अबाउट कॉन्फिडेंस इंटरवल, सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है? बेसिकली इट्स द टेस्ट साइज इज द रिजेक्शन इज द एरिया वेर यू आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, राइट? सो यहाँ पे यू आर सेइंग दैट यू हैव अ 1 in 20 चांस दैट यू आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस. नाउ वॉट इज सो बेसिकली अब हम लोग कॉन्फिडेंस क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस इज 1 माइनस सिग्निफिकेंस. तो 1 माइनस 5% इज 95%. सो व्हेन आई एम सेइंग दैट दिस इज व्हेन यू आर कंक्लूडिंग, अंडरलाइंग आपका क्या होता है कि आप खाली 95% श्योर हो कि वॉट एवर यू हैव डन इज करेक्ट. बाकी 5% हो सकता है वॉट एवर यू हैव डन इज अ एरर, इज अ मिस्टेक. एंड वेर इज दैट मिस्टेक कमिंग फ्रॉम? सैम्पलिंग मिस्टेक. बिकॉज आपके पास जो म्यू हैट है
ये जो आप यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में म्यू हैट लेके कैलकुलेट कर रहे हो, दिस म्यू हैट यू आर कैलकुलेटिंग यूजिंग सैंपल. इफ दैट सैंपल इज नॉट अ गुड, व्हेन आई एम सेइंग दैट ओवर द इयर्स इक्विटी रिटर्न्स हैव बीन ग्रेटर देन ऑल द अदर एसेट क्लासेस, सो एम आई टेकिंग फ्रॉम इंसेप्शन टिल नाउ, आई एम टेकिंग लास्ट 10 ईयर्स, दैट सैंपल कैन बी डिफरेंट. इफ यू जस्ट टेक द ईयर 2020 कोविड ईयर एंड उस ईयर को आप लेके कुछ सैंपल बना के आप कुछ करते हो, इट माइट गिव यू मिसलीडिंग आंसर्स, राइट? सो वेन योर वो सैम्पलिंग एरर होता है, सो यू आर जस्ट 95% कॉन्फिडेंट. वेन योर सिग्निफिकेंस लेवल इज 5%, 1 माइनस दैट, यू आर जस्ट 95% कॉन्फिडेंट दैट वट एवर यू आर डूइंग इज करेक्ट. रेस्ट 5% यू आर नॉट श्योर. ठीक है. ऑल राइट, सो नाउ अनदर थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, टी डिस्ट्रीब्यूशन में वील कम डेफिनेटली, बट इसके पहले एक चीज है जो आई फील कभी कभी आपको लग सकता है कि थोड़ा ट्रिकी पार्ट है एंड इससे काफी क्वेश्चंस भी आते हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. एक सेकेंड. सो आपको दो एरर समझने हैं. वन इज योर टाइप 1 एरर, ठीक है? वन इज योर टाइप 2 भी करेंगे. लेट्स फर्स्ट डू टाइप 1 एरर. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइप 1 एरर? लिखो. लिखना रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस. रिजेक्टिंग अ ट्रू ट्रू नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर. इट इज ऑल्सो नोन एज एन एरर. इट इज ऑल्सो नोन एज द एरर ऑफ द फर्स्ट काइंड. ऑफ द फर्स्ट काइंड अलग अलग वर्ड्स हैं बेसिकली. दिस इज एक्चुअली वॉट वेन योर नल हाइपोथेसिस actually is true, when you are saying that actually your mean return is 10%, when your null hypothesis is actually true, but आपका क्योंकि sample mistake था जो भी था, you rejected it. ठीक है, आपने अपने पूरे test में finally conclude किया and you rejected the null hypothesis, but null hypothesis was actually true. It was actually true. ठीक है, so मेरे को बताओ वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग दिस टाइप 1 एरर? अभी हमने जो डिस्कस किया, जब मैंने बोला कि वी आर फाइव वेरी गुड 5%, वी आर ओनली 95% श्योर दैट वॉट एवर वी हैव डन इज राइट, रेस्ट 5% वी आर नॉट श्योर. तो लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर इज नोन एज टेस्ट साइज, जो भी आप अल्फा और अल्फा. ठीक है, गॉट इट? सो दिस इज योर टाइप 1. अब लिखो टाइप 2 एरर. इसको आप ऐसे रोमन नंबर देके भी लिख सकते हो, टाइप 2 एरर. टाइप 2 एरर लिखो. इसको हम लोग टेस्ट पावर, टेस्ट ऑफ पावर या पावर ऑफ टेस्ट
टेस्ट भी बोलते हैं, टेस्ट बार। इट टाइप टू एरर अकर्स व्हेन, टाइप टू एरर अकर्स व्हेन, ऑल्टरनेटिव इज ट्रू, ऑल्टरनेटिव इज ट्रू, ब्रैकेट में दैट इज नल इज रॉन्ग, नल इज रॉन्ग, ब्रैकेट क्लोज, बट नल इज नॉट रिजेक्टेड, बट नल इज नॉट रिजेक्टेड। नेक्स्ट लिखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर इज डिनोटेड बाय बीटा। देखो बीटा ऐसे, वो आपका जो आप लोग पूरा फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट्स में अल्फा बीटा वाला, वो वाला बीटा नहीं, दिस बीटा, ग्रीक लेटर बीटा, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर इज बीटा। द पावर ऑफ टेस्ट इज डिफाइंड एज, द पावर ऑफ टेस्ट या टेस्ट पावर इज डिफाइंड एज 1 माइनस बीटा। विच मेजर्स द प्रोबेबिलिटी, विच मेजर्स द प्रोबेबिलिटी दैट अ फॉल्स नल इज रिजेक्टेड, दैट अ फॉल्स नल इज रिजेक्टेड। अब समझते हैं, इफ आई मेक अ मैट्रिक्स, ठीक है, उससे आई थिंक आप लोग को इजी रहेगा टू ऑलवेज अंडरस्टैंड। सो लेट्स सपोज आप करते हो नल हाइपोथेसिस, ठीक है, ठीक है, एंड लेट्स सपोज हियर आई टेक डिसीजन, डिसीजन दैट यू आर मेकिंग एट द एंड। सो नल हाइपोथेसिस कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स इन रियल, यस। योर डिसीजन कैन बी दैट यू हैव रिजेक्टेड नल हाइपोथेसिस। वी नेवर यूज द वर्ड एक्सेप्ट, व्हाट वी से, वी हैव इनसफिशियंट एविडेंस टू रिजेक्ट नल, तो हम लोग बोल सकते हैं फेल टू रिजेक्ट, बिकॉज यू नेवर एक्सेप्ट, यू से यू आर फेल टू रिजेक्टिंग इट। एक्सेप्ट बोलने का मतलब है कि आप 100% एक्सेप्ट करो, विच इज कैन नॉट हैपन वेन यू आर डूइंग टेस्ट। टाइप वन एरर में मैंने क्या लिखवाया था, दैट द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट यू आर फॉल्स, रिजेक्टिंग, नहीं, नल हाइपोथेसिस मतलब इज देख हम लोग फॉल्स ले लें। फॉल्स मत बोलो, बोलो व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड यू आर रिजेक्टिंग इट। सो नल हाँ हाइपोथेसिस इज ट्रू मीनिंग दिस पार्ट है ना, दिस पार्ट, बट यू हाँ आर रिजेक्टिंग इट, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट हो गया। सो दिस इज योर टाइप वन एरर। जिसका साइज होता है अल्फा, प्रोबेबिलिटी अल्फा है। अब ट्रू होने का ये पूरा शुड एड अप टू 1, मतलब ट्रू है नल हाइपोथेसिस एंड यू आर नॉट रिजेक्टिंग इट। 1 माइनस अल्फा, 95% एक्सेप्टेंस रीजन होता है ना, अल्फा इज व्हाट, 5%। सो हियर यू आर करेक्ट, देयर इज नो एरर। व्हाट इज टाइप टू एरर, मैंने फर्स्ट लाइन क्या लिखवाया है, नल इज फॉल्स, नल इज रॉन्ग, बट वी फेल टू रिजेक्ट इट। बट इट इज नॉट रिजेक्टेड। सो नल इज फॉल्स बट वी फेल टू रिजेक्ट इट, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, मतलब टाइप टू
इसका प्रोबेबिलिटी होता है बीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा पावर ऑफ टेस्ट। इट इज करेक्ट, मतलब नाउ व्हाट विल यू वांट? यू विल इन रियलिटी वांट दिस बीटा टू बी वेरी स्मॉल। बीटा तो स्मॉल, टाइप टू एरर, आप ऑब्वियसली बीटा को आपको कम करना है ना, कि इफ इट इज फॉल्स यू आर फेलिंग टू रिजेक्ट इट। नहीं, बीटा को कम करना है, पावर ऑफ टेस्ट को आपको हमेशा इंक्रीज करना होता है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, अगर एमसीक्यू में कभी आते यू ऑल शुड नो दीज बेसिक थिंग्स। ठीक है, गॉट इट? ये वाला बेसिक चीज समझ आया, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, एक सेकेंड। सो नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? दैट वट एवर टेस्टिंग यू आर डूइंग, इट डिपेंड्स ऑन वॉट ऑल थिंग्स। फ्यू बेसिक थिंग्स इज दैट वॉट इज द साइज ऑफ टेस्ट, 5%, 1%, 10%, किस बेसिस पे आप ले रहे हो? 1% इफ यू टेक, इट्स अ वेरी स्ट्रिंजेंट टेस्ट, मतलब आपके पास खाली 1% चांस है दैट यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इवन इफ इट इज ट्रू, है ना? 1% सिग्निफिकेंस लेवल, 1% अल्फा का मतलब होता है, जब आपका दोनों तरफ 0.5 0.5 है या वन साइडेड है तो खाली 1%। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेस्ट, 1% पे जब आप टेस्ट करते हो तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट अपने आप बन जाता है, क्योंकि आप 99% कॉन्फिडेंट हो। 1 माइनस अल्फा, यू आर 99% कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ दैट यू आर करेक्ट। ठीक है, यू आर 1% जस्ट अनश्योर अबाउट इट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द टी टेस्ट इन द नेक्स्ट क्लास, बट बिफोर दैट आई कैन जस्ट गिव यू अ क्विक हिंट कि होता क्या है। आप लोग लिख लो, खाली हेडिंग लिख लो, स्टूडेंट्स टी टेस्ट बोलते हैं उसको हम लोग। स्टूडेंट्स आप लोग देखोगे बहुत बार नहीं लिखते, बट स्टूडेंट इट्स अ नेम गिवन टू दिस टेस्ट, स्टूडेंट्स टी टेस्ट। सो स्टूडेंट्स टी टेस्ट में क्या होता है? नाउ इट्स द सेम थिंग, व्हाट आर यू सेइंग? व्हाट वाज योर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स व्हेन वी वर डूइंग द स्टैंडर्ड नॉर्मल? व्हाट वाज योर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स? म्यू हैट 5%, माइनस म्यू बाय, नहीं, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बाय बाय सिग्मा सिग्मा। बाय एन। नाउ मैंने क्या बताया था? म्यू इज पॉपुलेशन मीन एंड सिग्मा इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। नाउ बहुत बार ना पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन आपको गिवन नहीं होता है, एंड हम लोग इसको मीन को किससे रिप्लेस कर रहे थे? म्यू नॉट से रिप्लेस कर रहे थे, रिमेम्बर? म्यू, क्योंकि वो इक्वल हम लोग अज्यूम करते। नाउ बहुत बार सिग्मा दिस इज नॉट गिवन या नॉट नोन, अननोन होता है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं बोलूं कि आप पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन बताओ ऑफ मीन रिटर्न्स, तो आपको शुरू से लेके अभी तक देखना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सो व्हेन यू डोंट हैव द पॉपुलेशन मीन, देन इन दैट केस यू यूज स्टूडेंट्स टी टेस्ट। सब कुछ सेम है, व्हेन यू डोंट हैव, सॉरी, स्टैंडर्ड डिविएशन, व्हेन यू डोंट हैव पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन देन यू यूज स्टूडेंट्स टी टेस्ट। अब यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर में क्या लिख रहे थे? सिग्मा स्क्वायर बाय एन। सिग्मा स्क्वायर तो है ही नहीं, तो क्या यूज करना पड़ेगा? ऑल्टरनेटिवली सैंपल वेरियंस यूज करना पड़ेगा, जो भी आपके पास सैंपल है जहां से आपने म्यू हैट निकाला है। आपने म्यू हैट, डू यू रिमेम्बर फ्रॉम द सैंपल मोमेंट्स वाला चैप्टर 5 से हमने क्या निकाला था? व्हाट वाज दिस सैंपल मीन? सैंपल एस्टिमेटर वाज 1/n समेशन आई गोज फ्रॉम 1 से n एक्साइज, ये था मीन। मीन एस्टिमेटर तो ऐसे निकालते हो समेशन करके, तो वैसे ही आपको एस निकालना पड़ेगा, एस स्क्वायर बाय एन। इट इज सेम थिंग, जस्ट दैट सिग्मा स्क्वायर के बदले हमने सैंपल वेरिएंस ले लिया है, जहां पे आपका एस स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लो, दिस इज नथिंग बट, डू यू रिमेम्बर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ वेरिएंस हमने किया है?
वेरियंस एस्टिमेटर, हमने दो चीजों का फॉर्मूला एस्टिमेटर भूल गई। किया था, फॉर्मूला याद नहीं है बट किया था हमने, ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं भी हुआ तो चलेगा। यहाँ पे यू विल बी यूजिंग अनबायस्ड, हमने दो करा था इसके लिए, बायस एंड अनबायस्ड, मैंने करके दिखाया था कि बायसनेस एक में जीरो आ रहा था, एक में जीरो नहीं आ रहा था। सो अनबायस्ड एस्टिमेटर लेंगे। कभी इतना ना जो डिटेल में भी पढ़ रहे हैं, वंस यू सॉल्व एमसीक्यूज यू विल रियलाइज कि इतना डिटेल इज नॉट रिक्वायर्ड, बट अगर मैं इतने डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी तो आपको कुछ आगे का नहीं समझ में आएगा। अगर मैं उस समय अनबायस एस्टिमेटर नहीं समझाती तो अभी आपको नहीं आता समझ में, एंड मैं अगर उस समय नहीं समझाती आपके स्टिल चैप्टर 1 से 5 के सारे एमसीक्यूज बन जाएंगे, समझ लो, दिस इज द रीजन। सो अनबायस एस्टिमेटर ऑफ वेरियंस बोलते हैं इसको हम लोग, अनबायस क्यों, क्योंकि बायस में जीरो आएगा। कैसे निकालते हैं, 1/n-1 लेके करते हैं, बेसिकली एन लेके नहीं करते, या फिर म्यू हैट ले लो ना, एंड इसका फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट राइट नाउ बट ठीक है, ठीक है। सो नाउ व्हेन यू आर सेइंग दिस, दिस विल नाउ नॉट फॉलो स्टैंडर्ड नॉर्मल, दिस विल फॉलो टी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या लेते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन दिस केस इज n-1, n इज द सैंपल साइज, n-1 इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जैसे यहाँ पे कंफर्म करना कि n-1 लेते हैं, 12th में ML अग्रवाल जो हम लोग मेन बुक फॉलो करते हैं अप्लाइड मैथ्स में, दे हैव गिवन द फॉर्मूला रॉन्ग, तो इतना प्रॉब्लम हुआ था उसको फिगर आउट करने में, अब जाके एवरीथिंग मेक सेंस कि हाँ क्यों -1 हो रहा है और क्यों वैसे हो रहा है। सो बेसिकली क्या होता है ना, n-1 का भी लॉजिक होता है विच अभी समझना इस पॉइंट पे बहुत डिफिकल्ट है, एंड एक्चुअली आपके सिलेबस में भी नहीं है, बट सिंस वी डू दिस इन एक्चुअली, हम लोग बोलते हैं कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, कि आप कितने वैल्यूज खुद से फ्रीली डिसाइड कर पा रहे हो, फ्रीडम है आपको डिसाइड करने का। सो ईच टाइम यू लूज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब आपका जो फ्रीडम है टू डिसाइड द वैल्यूज इज गोइंग डाउन। सो n-1 मतलब यू हैव लॉस्ट ओनली 1 वैल्यू ऑफ फ्रीडम कि आप नहीं असाइन कर सकते। इसको बहुत डिटेल में भी हम लोग पढ़ते हैं, बट इट्स नॉट देयर इन आवर सिलेबस, यू जस्ट नीड टू नो टी n-1, दैट्स इट। एंड एक्चुअली इन फाइनेंस, जो हम लोग कोर फाइनेंस बोलते हैं, उसमें हम लोग को जरूरत भी नहीं होता। सो CFA, FRM, ऑल दीज फाइनेंशियल, MBA इफ यू गो फॉर, सो एवरी वेर यू गो दे जस्ट डू दिस, दे डोंट अंडरस्टैंड वाई इट इज n-1। ऑलराइट, सो यू जस्ट नीड टू नो। अब आप मेरे को बोलो, ज्यादातर हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे कि स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे? आई गेस टी डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं गिवेन होता है काफी बारी, करेक्ट, सो वी विल बी मोस्टली यूजिंग टी डिस्ट्रीब्यूशन, बट देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, सो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग टिल हियर। इन द नेक्स्ट क्लास इस पे हम लोग और बिल्ड करके वील ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर इटसेल्फ, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ अब नहीं बचा है। हमने बेसिक्स, अगर देखो स्टैट्स में, कॉन्स में, स्टैट्स में, इफ योर बेसिक्स आर स्ट्रॉन्ग यू कैन इजीली डेवलप ऑन द डिफिकल्ट टॉपिक्स, मतलब ऑन द एडवांस टॉपिक्स, राइट? सो लेट्स डू इट टिल हियर। तो फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर। हम लोग का 5th चैप्टर पूरा कंप्लीटेड है, दिस इज द 6th चैप्टर दैट वी हैव स्टार्टेड, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द 6th चैप्टर। अकॉर्डिंग टू द PDF जो मैंने लिस्ट बनाया है, इसमें फिफ्थ